हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है। आइए देखते हैं कि एक्सेस के अंदर हम एसक्यूएल में ऑर्डर बाई कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहां से एक्सेस ओपन कर लेते हैं। ये एक्सेस 2021 है हमारे पास, इसी को ओपन कर लेता हूं मैं। और यहां पर कुछ रिकॉर्ड्स हमारे पास पहले से हैं, ठीक है, और इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे ये रैंक वाले रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है पहले से। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से ये टेबल बनी हुई है और कुछ डेटा इसमें इंसर्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एसक्यूएल क्वेरी हमें चलानी है, तो यहाँ से जाएंगे और ये क्वेरी डिजाइन आपको दिख रहा है और यहाँ से सीधा एसक्यूएल पे चले चलेंगे। अब यहाँ देखिए, सेलेक्ट जो कीवर्ड है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे काम करेंगे हम, तो देखिए टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है रैंक टी। तो यहाँ पे लगाएंगे एस्ट्रिक फ्रॉम कहाँ से, रैंक टी से। तो सेलेक्ट कहां से करना है, रैंक टी से करना है। तो ये हमने दे दिया। अब ये देने के बाद आपको क्या करना है, एंटर करना है और यहां पे लिखना है नीचे ऑर्डर बाई। क्या लिखना है, ऑर्डर बाई। देखिए जैसे बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करिएगा, ओ आर डी ई आर, ऑर्डर बाई, ठीक है। अच्छा, ये दोनों गैप रहना चाहिए दोनों में, ऑर्डर और बाई जब लिखेंगे तो इन दोनों के बीच में गैप रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर बाई ऐसे लिख दीजिए। अब ये मैटर नहीं करता है कि आप स्मॉल में लिख रहे हैं या कैपिटल में लिख रहे हैं, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि टेबल के अंदर क्या है, नेम है, रोल नंबर है और क्या है, मार्क्स है। तो यहाँ पे ऑर्डर बाई नेम ऑफ स्टूडेंट कर देंगे हम, ऑर्डर बाई नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिख देता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है। यहाँ पे चेक करते हैं एक बार, ये देखिए ये नेम ऑफ स्टूडेंट है। तो जैसे लिखा गया वैसे ही लिखना है, नेम ऑफ स्टूडेंट कर दिया। अब यहाँ पे टर्मिनेशन देना है। अब बारी है इसको चलाने की, तो सबसे पहले तो ये टेबल क्लोज कर लीजिएगा और अब इसी को चलाना है। तो यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाके यहां से रन करवाएंगे और जैसे ही रन करवाएंगे ना, तो आप देख सकते हैं कि ये नेम के आधार पर शॉर्ट करके हमें दे रहा है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इन कंडीशन की आपको नेम के आधार पर शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करेंगे। तो यहां देखिए, ये तो अभी असेंडिंग ऑर्डर है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आपको शॉर्ट करना होगा तो ऑर्डर बाय नेम ऑफ स्टूडेंट जो दिया गया है उसको क्या करेंगे, यहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए डी ई एस सी कर देंगे, ठीक है। तो अभी जब इसको चलाएंगे यहां पे, तो आप देखेंगे कि अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है। यहां पे देख सकते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है, ठीक है। तो नेम ऑफ स्टूडेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आया, आप ऐसा मत समझिएगा कि रोल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट, तो देखिए वाई से शुरू हुआ, फिर यहाँ एस से शुरू हुआ, तो ये इस तरीके से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर यूज करना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में जैसे हमने डी ई एस सी लगा दिया, वैसे यहाँ पर ए एस सी कई बार लिख दिया जाता है, तो ऐसे भी होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप ए एस सी लिख देंगे, ए एस सी, तो भी असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको चला देता हूँ तो आप देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको शॉर्ट कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।